तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का मार्च वायदा 11,382 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आज ग्वार गम के अंदर हम देख रहे हैं कि करेक्शन बनती नजर आई है। और ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड का मार्च वायदा देख रहे हैं 6,000 के लेवल्स पर है, लगभग 2% की गिरावट है। देख रहे हैं ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही गिरावट के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो अब यहां से ग्वार में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, क्या ग्वार में यहाँ से तेजी आएगी या फिर यहाँ पर बिकवाली करना चाहिए, जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीबी पर। जी नमस्कार अमित जी, सबसे पहले बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि आज कुछ करेक्शन बनती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कीमतें नीचे कहाँ तक जा सकती हैं और नीचे से अगर कीमतें उठेंगी तो कहाँ तक जा सकती हैं? देखिए, हमने पिछले काफी समय से लगभग 3 हफ्ते हो गए, हमने देखा है कि एक दायरे में कारोबार हुआ है जहाँ 6,500 ऊपरी तरफ और 6,119 तरफ जो एक सपोर्ट की ट्रैक कर रहा था, उस दायरे से फिलहाल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6,100 का सपोर्ट जो है टूट चुका है। शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि 5,950 के 5,900 की जोन में प्राइसेस जो है ग्वार सीड की फिर सकती है। तो एकदम छोटी अवधि के लिए तो ऐसा लग रहा है कि 6,200 की जब तक नीचे प्राइसेस हैं तब तक करंट प्राइस से लगभग 2 से 2.5% की गिरावट और हमें ग्वार सीड में दिखाई दे सकती है। उसी तरह अगर हम ग्वार गम की भी बात करें तो ग्वार गम में ऐसा लग रहा है कि 11,600 का एक जो महत्वपूर्ण सपोर्ट था वो टूट चुका है, तो हम मोस्ट पॉसिबली 10,900 तक प्राइस को जाता हुआ देखेंगे, यानी यहाँ पर भी लगभग 3% की गिरावट हमें आने वाले 2 से 3 सेशन में दिखाई दे सकती है। जी अमित जी, ये जो रशिया और यूक्रेन के जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, क्रूड में अगर जैसे हम देख भी रहे हैं कि क्रूड लगभग ऑलमोस्ट $100 का आंकड़ा टच कर चुका है, तो क्या उसका भी असर आगे ग्वार गम और ग्वार सीड की प्राइसिस पर देखने को मिल सकता है? जी देखिए, फिलहाल हमने देखा है कि एक्चुअली क्राइसिस यानी जो ऑक्यूपेशन किया है जो दो रीजन्स है, खास करके जो ईस्टर्न साइड पे यूक्रेन में, उसके बाद हमने कच्चे तेल में भी एक्चुअली गिरावट आती हुई देखी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ये डिस्काउंट कर रहा है कि जितने हद तक एस्केलेशन होने की उम्मीद थी या जितने सैंक्शन लगने की उम्मीद थी रशिया पर, उस एक्सटेंड तक बात नहीं बढ़ पाई है, तो मार्केट में जो डिस्काउंट किया था वो इस उम्मीद से खरा नहीं उतर रहा है जो एक्चुअल इवेंट्स हुए हैं। तो इसके चलते हमने कच्चे तेल में एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी है, नेचुरल गैस में भी बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। तो मुझे इमीडिएट तौर पर नहीं लगता कि जो असर है हमें ग्वार गम में ग्वार सीड की देखने को मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि निचले स्तरों पर यानी 10,800 से 10,900 के करीब ग्वार गम में और उसके बाद 5,900 के करीब ग्वार सीड में असर जो है वो देखने मिल सकता है। जी,